चुनाव लड़ा करके ही बिहार में परिवर्तन कर लेंगे तो वो भी वो आजमा करके देख ले। और कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए, क्योंकि देश में सेकुलरिज्म के सबसे बड़े अगर झंडा बरदार कोई है तो उसका नाम है लालू। मूव मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। देखिए, जहां कांग्रेस ने अपने 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, उसमें कन्हैया कुमार से लेकर हार्दिक पटेल सब हैं। इसी को लेकर हमने बात की राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद से। एजाज अहमद क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। कांग्रेस ने भी अपने टॉप प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें जिग्नेश मेवानी हैं, हार्दिक पटेल हैं, कन्हैया हैं। अब आप लोगों के खिलाफ भी कुछ तो बोलेंगे, बोलो। देखिए, हर पार्टी अपने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, ये कोई नई बात नहीं है और हर चुनाव में ये होता है। और जब चुनाव के मैदान में आदमी जाता है तो हर तरह के पहलवानी का दांव पे सीखने और सिखाने वाले आते हैं मैदान में। हम समझते हैं कि कोई भी मैदान में आ जाए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सामने कोई नहीं टिकने वाला। आपने देखा होगा कि 32 साल के नौजवान को रोकने के लिए भारत के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री एड़ी चोटी का जोर लगा दिए गत विधानसभा चुनाव में, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल उभरी और तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर आम आवाम का विश्वास पूरी तरह से कायम रहा। आपने देखा होगा तेजस्वी जी ने जो एजेंडा तय किया था उसी के इर्द गिर्द पूरा चुनाव उसी एजेंडा के तहत घूमते रहा, जबकि पहले आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के तहत चुनाव होता था। ये सबसे बड़ा परिवर्तन है और ये बिहार की जनता का विश्वास है तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर। एजाज जी, जब कोई भी आ जाए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एजाज जी, जब दोस्त ही बगावत कर दे और आप लोग के महागठबंधन में थी कांग्रेस, तब तो नुकसान होने का ज्यादा डर रहता है। बगावत का कहां मामला है, हर पार्टी को, हर दल को, हर नेता को अपना अपना पार्टियों का चुनाव लड़ाने का अधिकार है। अगर उनको समझ में आ रहा है कि हम चुनाव लड़ा करके ही बिहार में परिवर्तन कर लेंगे तो वो भी वो आजमा करके देख ले। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि बिहार से जो देश को संदेश जाएगा इस उपचुनाव, दो सीटों के उपचुनाव से, ये बड़ा संदेश जाएगा और कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए, क्योंकि देश में सेकुलरिज्म के सबसे बड़े अगर झंडा बरदार कोई है तो उसका नाम है लालू प्रसाद यादव। और लालू प्रसाद आप लोगों ने धोखा नहीं दिया, लालू प्रसाद जी ने हर समय सांप्रदायिक शक्तियों को चैलेंज करने का काम किया। चैलेंज ही नहीं किया बल्कि उसके लिए उनको पड़ताड़ना भी सहना पड़ा, उनको हर तरह का मुसीबतों का सामना करना पड़ा, फिर भी वो सांप्रदायिक शक्तियों के सामने, आरएसएस के विचारकों के सामने झुकने का नाम नहीं लिए। और उसी पैटर्न पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी चल करके ये बता रहे हैं कि नौजवानों के लिए जो हम लोग चाहते हैं कि 10 लाख नौजवानों को डायरेक्ट रोजगार मिले, उसके लिए जो उनका संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए दोनों सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। क्योंकि बिहार की जनता भी जानती है कि धोखे से नीतीश कुमार ने सरकार तो बना लिया है लेकिन जनता का विश्वास नहीं जीता है। अपने एजाज अहमद को सुना है, एजाज अहमद क्लियर कह रहे हैं राजद के जो प्रवक्ता है कि कुछ भी आ जाए, कुछ भी, कोई भी उतर जाए मैदान में, जीतेंगे राजद ही। अब वो वक्त बताएगा कि जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।